दोस्तों, आज से हम टेस्ट सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम काफ़ी पास में है। और अगर आप रेगुलर इन टेस्ट सीरीज को देखते हैं तो इससे काफ़ी हद तक आपको विषय का तैयारी करने में सहूलियत मिलेगी। तो सबसे पहले जो है हम संहिता से शुरू कर रहे हैं, और संहिता में भी चरक संहिता से। तो एक वीडियो में हम 25 सवाल पूछेंगे। तो प्रत्येक जो है जो वीडियो होगा उसमें 25 सवाल होंगे, और एक सवाल के लिए हम आधे मिनट का समय देंगे। 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली जो है आंसर आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, और आप चाहें तो सहूलियत के लिए आप क्वेश्चंस और आंसर्स को नोट करके रख सकते हैं, जिससे कि फ्यूचर में आपको रिव्यू करने में आसानी होगी। अगर नहीं भी नोट करें तो दोबारा आप रिविज़न के लिए इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। ये वीडियो हमेशा यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा। अगर किसी भी सवाल में कोई समस्या हो तो आप जो है सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो पहला सवाल है, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी किसने कहा है? ऑप्शन ए है बाघभट्ट, बी चरक, ऑप्शन सी सुश्रुत, ऑप्शन डी चक्रपाणि। क्वेश्चन नंबर टू, शरीर इंद्रिय मन एवं आत्मा के संयोग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए त्रिदंड, ऑप्शन बी आयु, ऑप्शन सी त्रिसूत्र, ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन नंबर थ्री, किसको उग्र तपा कहा गया है? ऑप्शन ए पुनर्वसु, ऑप्शन बी अग्निवेश, ऑप्शन सी चरक, ऑप्शन डी भारद्वाज। इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर फोर, प्रथम संभाषा परिषद में कौन आत्रेय नहीं थे? ऑप्शन ए पुनर्वसु आत्रेय, ऑप्शन बी भिक्षु आत्रेय, ऑप्शन सी कृष्ण आत्रेय, ऑप्शन डी ऑल यानी सभी। क्वेश्चन नंबर फाइव, सा स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम शरम कटु किसका गुण है? ऑप्शन ए वात, ऑप्शन बी पित्त, ऑप्शन सी कफ, ऑप्शन डी ऑल यानी सभी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विपरीत गुणय देश मात्रा काल उपपाद्य क्या है? ऑप्शन ए साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र, ऑप्शन बी असाध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र, ऑप्शन सी याप्य रोगों का चिकित्सा सूत्र, ऑप्शन डी कष्ट साध्य रोगों का चिकित्सा सूत्र। सही उत्तर है ए। क्वेश्चन नंबर सेवन, वनस्पति को सुश्रुत ने क्या कहा है? ऑप्शन ए विरुद्ध, ऑप्शन बी वृक्ष, ऑप्शन सी गुल्म, ऑप्शन डी नन यानी ऊपर में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर आठ, अहितम उपसेव मानस्य क्या है?
ऑप्शन ए ऋतुचर्या, ऑप्शन बी आहार, ऑप्शन सी संस्कार, ऑप्शन डी स्वप्न। सही उत्तर है सी संस्कार। क्वेश्चन नंबर 9, चेता समवाय किस इंद्रिय के लिए है? ऑप्शन ए चक्षु, ऑप्शन बी स्पर्श, ऑप्शन सी घ्राण, ऑप्शन डी रसन। सही उत्तर है बी स्पर्श। क्वेश्चन नंबर 10, राज यक्ष्मा किस मार्ग की व्याधि है? ऑप्शन ए शाखा, ऑप्शन बी मर्म, ऑप्शन सी कोष्ठ, ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर है बी मर्म। क्वेश्चन नंबर 11, प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धि सिद्धा सुख प्रदा, ये किस वैद्य का लक्षण है? ऑप्शन ए प्रतिरूपक, ऑप्शन बी छद्मचर, ऑप्शन सी जीविताभिसर, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर है सी जीविताभिसर। क्वेश्चन नंबर 12, पुनः अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनो निग्रह, यह किसका लक्षण है? ऑप्शन ए संस्कार, ऑप्शन बी सत्वावजय, ऑप्शन सी सत्व, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर है बी सत्वावजय। क्वेश्चन नंबर 13, चरक सूत्र 11 का उपदेश किसने दिया है? ऑप्शन ए आत्रेय, ऑप्शन बी पुनर्वसु आत्रेय, ऑप्शन सी भिक्षु आत्रेय, ऑप्शन डी कृष्णात्रेय। सही उत्तर है डी कृष्णात्रेय। क्वेश्चन नंबर 14, 21 से 24 अध्याय तक चरक ने किस चतुष्क में रखा है? ऑप्शन ए निर्देश चतुष्क, ऑप्शन बी कल्पना चतुष्क, ऑप्शन सी योजना चतुष्क, ऑप्शन डी भेष चतुष्क। सही उत्तर है सी योजना चतुष्क। क्वेश्चन नंबर 15, मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठति उप्रो युक्तिज्ञो द्रव्यम ज्ञानवताम सदा, यह श्लोक चरक के किस अध्याय से लिया गया है, इसका संदर्भ क्या है? ऑप्शन ए चरक सूत्र 1, ऑप्शन बी चरक सूत्र 2, ऑप्शन सी चरक सूत्र 14, ऑप्शन डी चरक सूत्र 3। सही उत्तर है बी चरक सूत्र 2। क्वेश्चन नंबर 16, गौ मांस रस और खट्टे अनार के रस से सिद्ध यवागु होती है, इनमें से उसका क्या गुण होता है? ए भेदिनी, ऑप्शन बी विषम ज्वरग्न, ऑप्शन सी वृष, ऑप्शन डी विषनाशक। सही उत्तर है बी विषम ज्वरग्न। क्वेश्चन नंबर 17, अपामार्ग तंडुली अध्याय में कितने यवागुओं का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 34।
सही उत्तर है बी 28 अवागु। क्वेश्चन नंबर 18, शिरीष लामज्जक हेम लोद्रई इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए दुर्गंधहर, ऑप्शन बी बीसहर, ऑप्शन सी शिरः शूलनाशक, ऑप्शन डी स्वेदहर। सही उत्तर है डी स्वेदहर। क्वेश्चन नंबर 19, किस रस को छठी कषाय योनि नहीं कहा गया है? ऑप्शन ए मधुर रस, ऑप्शन बी अम्ल रस, ऑप्शन सी तिक्त रस, ऑप्शन डी लवण रस। सही उत्तर है डी लवण रस। क्वेश्चन नंबर 20, चतुर्विध प्रमाणों से किसकी सिद्धि होती है? ऑप्शन ए सत और असत की, ऑप्शन बी पुनर्भव की, ऑप्शन सी दोनों की, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर सी दोनों की, यानी सत असत और पुनर्भव की। क्वेश्चन नंबर 21, आहार मात्रा किसकी अपेक्षा करने वाली होती है? ऑप्शन ए रोग बल की अपेक्षा, ऑप्शन बी रोगी बल की अपेक्षा, ऑप्शन सी काल बल की अपेक्षा और ऑप्शन डी अग्नि बल की अपेक्षा। सही उत्तर है डी अग्निबल। क्वेश्चन नंबर 22, अनुबंध चतुष्टय में निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए प्रयोजन, ऑप्शन बी अभिधेय, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अधिकार। इसका सही उत्तर है डी अधिकार। क्वेश्चन नंबर 23, उपनिषदों में कौन ऐषणा नहीं है? ऑप्शन ए धर्मैषणा, ऑप्शन बी वीतैषणा, ऑप्शन सी पुत्रैषणा, ऑप्शन डी लोकैषणा। सही उत्तर है ए धर्मेश्वरा। क्वेश्चन नंबर 24, पुनः औषध आहार द्रव्याणाम योजना कौन सी चिकित्सा है? ऑप्शन ए देवव्यपाश्रय, ऑप्शन बी युक्तिव्यपाश्रय, ऑप्शन सी सत्वावजय, ऑप्शन डी नन, यानी कि ऊपर में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी युक्ति व्यपाश्रय। क्वेश्चन नंबर 25, वृद्ध बागभट्ट ने किस रोग को कर्मज रोग माना है? ऑप्शन ए सुखसाध्य, ऑप्शन बी कष्टसाध्य, ऑप्शन सी याप्य, ऑप्शन डी प्रत्याख्येय। इसका सही उत्तर है याप्य।